नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इसका 8वां अध्याय सुनो किशोरी यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं डाला है, लेकिन आज मैं इसके अंदर आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी इसका बताने वाली हूँ, जिससे कि लेसन जो आपके समझ में आता चला जाए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको जो लेसन जो है वो एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो देखते हैं इसको किसने लिखा है। आशा रानी वोहरा जी ने। लेखक का परिचय देख लेते हैं। श्रीमती आशा रानी वोहरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती हैं। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप से छपते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आपका निधन 2009 में हुआ। प्रमुख कृतियां हैं इनकी, भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक पत्रकार आदि। विद्यालय परिचय में देखते हैं, अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिज्ञों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। पाठ परिचय देखते हैं, लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। यानी यहाँ पर जब कॉलेज में लड़कियाँ चली जाती है तो उनके मन में किस तरीके की शंकाएँ, डाउट्स होती हैं, किस तरीके के टेंशन में वे रहती हैं और अपनी जो मन की बात है वो किसी से शेयर नहीं कर पाती और अपनी शंकाओं का समाधान उन्हें कहीं नहीं मिल पाता है। तो ऐसे समय में लेखिका ने ये जो लेसन है ये लिखकर उनकी मदद की है, उनका मार्गदर्शन किया है और उनको बताया है कि सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है। तो किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत उन्हें उचित अनुचित करणीय और अकरणीय का बोध कराया है। यानी यहाँ पर क्योंकि लेखिका भी इस उम्र से गुजर चुकी है और उन्हें पता है कि इस समय जो है किशोरियों की अवस्था क्या होती है, उनके मन में किस तरीके की शंकाएं और चिंताएं जो है घर कर लेती हैं, तो उन्होंने यहाँ पर उनके दिलों में झांक कर और उनको ये समझाने का प्रयास किया है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। वे बोलती हैं कि हमारे देश की नई पीढ़ी जो है पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। यानी पाश्चात्य मूल्यों को, वहाँ के जीवन मूल्यों को, वहाँ के रहन सहन को, वहाँ के खान पान को एज इट इज़ अपना रही है और हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को काल बाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। और हमारे यहाँ हमारी जो देश की, भारत की जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं, उनको बोल रही है कि काल बाह्य है, यानी आज के समय में ये लागू नहीं होती है, कौन अब इन रीति रिवाजों को मानता है, ऐसा करके उनका त्याग करती जा रही है, अवहेलना करती जा रही है। तो आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला हुआ दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। यहाँ पे जो लेखिका है वो कहना चाहती है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है आत्मनिर्भर हो गए हैं और इसीलिए उनका जीवन के प्रति देखने का नज़रिया जो है वो बदल गया है। वो विवेकहीनता यानी कि मूर्खता में और जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं जो उनके जीवन की सुंदरता को जो है नष्ट करते जा रहा है। तो आजकल के समय में आप देखते हैं कि कोई बच्चों को इतनी ज़्यादा हर चीज़ की जल्दबाजी होती है कि वो बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लेते हैं। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतार कर स्वीकारना होगा। यानी लेखिका कहती, नए मूल्य अपनाना है तो अपनाओ, लेकिन पहले हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता और परंपराओं में वो फिट बैठते हैं क्या, पहले उसको देख लो। और अगर आपको नया कुछ करने की इच्छा है तो फिर हमारे यहाँ के जो रूढ़ियाँ हैं, जो रूढ़ीवादी विचार है, जो आज के समय में बिल्कुल भी उपयोगी नहीं रह गए, यानी अनुपयोगी हो गए, ऐसे विचारों को तोड़कर फेंको और फिर नए विचार अपने
स्वयं के जो है नए विचार लेकर दूसरों के सामने आओ, समाज के सामने आओ, और हमारे समाज में जो भी बदलाव लाना है वो लेकर आओ। दूसरे के विचारों को यानी पश्चिमी देशों के विचारों को अपना कर अपने देश के लोगों पर, युवा पीढ़ी पर जो थोप देना, ये कहाँ की समझदारी है? ये यहाँ पर बताया गया जो आज की युवा पीढ़ी स्वयं कर रही है ना, गूगल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। आज जो है दुनिया एक दूसरे से इतनी ईजिली कनेक्टेड है कि हर चीज़ उनको मालूम होती है, और इसलिए उस देश में जो भी कुछ स्वतंत्रता मिली हुई है या खुलापन है वो आज की युवा पीढ़ी को बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसके पीछे नुकसान किसका है, और हर चीज़, कहीं की भी चीज़ कहीं पर भी जो है सूट नहीं होती, उसको बहुत ही सुंदर एग्जांपल के साथ में यहाँ लेखिका ने बताया है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो वो लेसन का एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है और आपको लेसन भी समझ में आता है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पर ये जो है इस लड़की की माँ है, और ये लड़की जो है ये है सुगंधा, और सुगंधा की ये सहेली है, इसका नाम है किशोरी, है ना। और इस किशोरी के जीवन में ये लड़का कॉलेज लाइफ में आया हुआ है। अब सुगंधा जो है अपनी माँ से बहुत फ्रेंडली है और कोई भी बात नहीं छुपाती, अपनी माँ से हर बात जो है शेयर करती है। तो ये अपनी माँ को सुगंधा बता रही है किसके बारे में, किशोरी के बारे में, कि आज किशोरी जो है किस अवस्था से गुजर रही है, उसका जो उसके जीवन में कैसी चिंताओं ने घर कर लिया है, और वो जो कर रही है वो सही है या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो अपनी माँ से जो है पूछना चाहती है, अपनी माँ को सारी बातें बताती है। और फिर उसकी माँ जो है उसको, सुगंधा को बताती है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपनी सहेली को किस तरीके से समझाना चाहिए, और ये सारी बातें जो है इस लेसन के अंदर दी गई है। तो आगे देखते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं, कि इसके शब्दार्थ थोड़े डिफिकल्ट हैं। डेना यानी पंख, अवांछित यानी जिसकी इच्छा न की गई हो, है ना, भरहराकर यानी तेजी से, निहायत, अत्याधिक या पूरी तरह से, जुनून, पागलपन, उन्माद, अंतर्मुखी होना यानी अपने भीतर झांककर सोचना, निजात यानी छुटकारा, आगाह करना, सूचित करना, यथार्थ, सच्चाई, क्षत विक्षत, बुरी तरह से घायल या लहूलुहान, बुनियादी यानी मौलिक, बेसिक, भर्त्सना यानी अनुचित काम के लिए बुरा भला कहना, अलहड़ यानी भोला भाला, राजदार यानी भेद को जानने वाला भेदिया, और मंशा यानी इच्छा, निश्चल यानी छल रहित। कुछ मुहावरे यहाँ पर दिए हुए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे धरती पर निगाह रखना यानी वास्तविकता से जुड़े रहना, इसके वाक्य भी बनाने के लिए आएंगे आपको, फलीभूत होना यानी फल में परिणित होना, परिणाम निकल आना, कन्नी काटना यानी बचकर निकल जाना, और राह का रोड़ा बनना यानी उन्नति में बाधा बनना। विद्यार्थियों अब हम स्वाध्याय को शुरू करते हैं, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को देखने के बाद में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि मिल बांटकर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाने को भूलिए मत, क्योंकि उसी से आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सही समय पर सबसे पहले मिल पाएगी। आइए देखते हैं स्वाध्याय। दिया हुआ है आकलन, प्रश्न एक का अ देखते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए। रूढ़ी और परंपरा, इसमें हमको अंतर स्पष्ट करना है कि रूढ़ी क्या होती है और परंपरा क्या होती है। तो भाई रूढ़ी वो होती है जो समय के अनुसार अनुपयोगी हो जाती है, यानी कई पहले के समय जमाने में जो बातें चला करती थी आज के समय में नहीं है। जैसे पहले के ज़माने में कहा जाता था कि सुबह सुबह जो है कुएं से पानी भर कर लेकर आना, अब आज के समय जब घर के अंदर नल आ गए तो क्यों कुएं से पानी भरा जाए, है ना। कहने का मतलब ऐसी चीज़ें जो आज के समय में अनुपयोगी हो गई है तो उनको छोड़ देना, और नई चीज़ों को अपनाना, यानी नल से पानी आ रहा है तो उसको अपनाना और उसको शुद्ध मानना, ये जो है समय की ज़रूरत बन गई है। तो इस तरीके से पुरानी चीज़ें जो हमारे लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है वो रूढ़ी हो जाती है, और परंपरा यानी ऐसी पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए नई चीज़ों को जो है अपने साथ में लेकर आगे बढ़ते रहना, उसको परंपरा कहते हैं। तो अब देखते हैं कि रूढ़ी क्या है। रूढ़ी स्थिर होती है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आता, पीढ़ियाँ सदियाँ बीत जाती हैं लेकिन उसमें बदलाव नहीं आता, और कई बातें ऐसी होती हैं जिसमें हम स्थिरता से उन्हीं चीज़ों को अपनाते हैं। जैसे शादी ब्याह की कई रीति रिवाज रस्में जो होती है वो हमें स्थिर रूप से हम उनको वैसे ही अपनाते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे ही सदियों से होता चला आया है। तो रूढ़ियाँ स्थिर होती है, रूढ़ी ऐसी रीति, सॉरी अब दूसरा देख लेते, परंपरा का, परंपरा निरंतर गतिशील होती है। जब रूढ़ी स्थिर होती है, जबकि
की परंपरा कैसी होती है, निरंतर गतिशील होती है। ठीक है, रूढ़ी ऐसी रीति नीति है जो समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी है, क्योंकि समय बदलने के साथ अब उसकी कोई कीमत रह नहीं गई है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, और इसीलिए वो अपना अर्थ खो चुकी है, है ना। उसको अपनाए या ना अपनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन परंपरा क्या है, समय के साथ बहती है, पुराने और अनुपयोगी मूल्यों को छोड़कर उपयोगी मूल्यों के साथ आगे बढ़ती है। जैसे परंपरा क्या करती है, जो बेकार की बातें हैं आज के समय में हमारे लिए उपयोगी नहीं रह गई, ऐसी चीज़ों को साइड में हटाते हुए नए नए चीज़ों को अपने अंदर समाते हुए आगे बढ़ती जाती है। जैसे कि नदी, नदी बहती है तब क्या करती है, कूड़ा कचरा जो है अपने किनारे फेंकती चली जाती है और साफ होकर नई नई चीज़ों को अपने साथ लेती हुई जो है आगे बढ़ती चली जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे रूढ़ी और परंपरा को हम समझ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, कारण लिखिए। सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई। सुगंधा जो है लेखिका की लड़की है और उसको खुशी हुई क्योंकि सुगंधा लेखिका की पुत्री थी और उसकी पुत्री का उसे पत्र मिला था, तो वो खुश हुई। अब पश्चिमी मूल्य रूपी फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे, कितना सुंदर एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे हमको जो है लेखिका ने समझाया है, क्योंकि हर पौधे को पनपने के लिए विशेष प्रकार की भूमि और जलवायु की आवश्यकता होती है। हर पौधा हर स्थान पर नहीं उग सकता, उसी प्रकार हर देश की संस्कृति और समाज के मूल्य भी अलग अलग होते हैं। पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण भारतीय समाज के लिए उपयुक्त नहीं होगा, ये यहाँ पे लेखिका कहना चाहती है। लेखिका कहती है अगर एक छोटे से बीज की बात की जाए तो उसको भी पनपने के लिए सही जलवायु, सही मिट्टी, सही खाद इसकी ज़रूरत होती है। फिर मनुष्य तो अपने जीवन के बारे में उसे तो कितना सोचना चाहिए, क्योंकि ये उसका संपूर्ण जीवन है, वो ऐसे ही कैसे किसी के जो है जीवन मूल्य को अपना सकता है, क्योंकि अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, किसी की नकल नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर लेखिका कहना चाह रही है कि जिस प्रकार से अगर जो पौधा जिसको ठंडी जलवायु चाहिए वो ठंडी जलवायु में ही वो बीज उगेगी, ज़्यादा अच्छी पनपेगी, या फिर गर्म जलवायु चाहिए तो गर्म जलवायु में ही कोई बीजें होती हैं जो अच्छे से पनपती हैं, अच्छे पौधे उनके बढ़ते हैं और अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर हम उन बीजों को उठाकर उसके विपरीत जलवायु वाली जगह पर ले जाए तो ऐसा नहीं है कि वो पौधे जो है उगेंगे नहीं, लेकिन वो पौधे उगने के बाद में क्या होगा, वो उतने बड़े नहीं होंगे जितने उनकी जो उनके लिए जो जलवायु चाहिए, उस जलवायु में वो जितने बड़े हो सकते हैं वे बदली हुई जलवायु में उतने बड़े नहीं हो सकते। वहाँ जैसे उसके फल लग सकते हैं यहाँ वैसे उसके फल नहीं लग सकते, वहाँ जैसे एक पेड़ पर अगर हजारों फल लग सकते तो यहाँ पे 8-10 फल लगेंगे। तो कहने का मतलब उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती, जो चीज़ जहाँ की है वो वहीं पर अच्छी लगती है, ये यहाँ पर लेखिका कहना चाहती है। और लेखिका साथ ही साथ में ये भी बोल रही है कि कोई भी चीज़ को अगर अपनाना है तो उसका अंधानुकरण मत करो, है ना, क्योंकि उसके पहले सही गलत इस बात को अच्छे से समझ लो। और इसी प्रकार वो बोल रही है अगर एक बीज के लिए हमको इतना सोचना पड़ता है कहीं से लाकर कहीं लगाने के लिए, तो फिर ये तो हमारा जो है जीवन है उसके बारे में हमें कितना सोचना चाहिए। तो पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है। प्रश्न 2 देख लेते हैं। शब्द युग्म को पाठ के आधार पर पूर्ण कीजिए। क्षत, क्षत का युग्म बनेगा विक्षत के साथ में। आदान, आदान का युग्म बनेगा प्रदान के साथ में। और सूज, इस शब्द का युग्म बनेगा बूझ के साथ में। और सोच, सोच का युग्म बनेगा समझ के साथ में। अब प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे अभिव्यक्ति में आपको 2 प्रश्न दिए हुए हैं और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको थोड़े बड़े लिखना है, क्योंकि यहाँ पर अपने विचार अभिव्यक्त करना है, जबकि ये दोनों दूसरे प्रश्न जो दिए पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न है, तो इनके उत्तर जो है आपको 8-10 लाइन के अंदर ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आइए पहले हम लेसन का आगे का भाग जो है स्वाध्याय का वो देख लेते हैं, और इसमें है साहित्य संबंधी ज्ञान। इसमें 5वें क्वेश्चन में अ नंबर दिया है, आशा रानी वोहरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य। तो यहाँ देखते हैं हम, विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणीय महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी के सामने उनके आदर्श रखना, ये जो है ये क्या था, वोहरा जी के लेखन कार्य का जो है प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, ये यहाँ से लाइन शुरू होती है इस तरीके से और ये यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, अब आशा रानी वोहरा जी की रचनाएं, भारत की प्रथम महिला लेखक पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी और स्वाधीनता सेनानी, ये उनकी किताबों के नाम है, रचनाओं के नाम है। आगे का क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार अर्थ के आधार पर
वाक्य परिवर्तन करके फिर से लिखिए। अब आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि जब भी हम वाक्य परिवर्तन करते हैं, एक तो होता है अर्थ के आधार पर, एक तो होता है काल के आधार पर, और एक होता है रचना के आधार पर, है ना। तो जब हम अर्थ के आधार पर, ये जो पहला नंबर हमको अभी दिया हुआ है, अर्थ के आधार पर जब हम वाक्य में परिवर्तन करते हैं, तो प्रश्नार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, विस्मयादिसूचक वाक्य, है ना, इस तरीके के वाक्य बनते हैं। जबकि काल के आधार पर जब हम वाक्य परिवर्तन करते हैं, तो इसके अंदर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल और इनके तीनों तीनों जो रूप होते हैं वो, उसके अनुसार हमें वाक्य परिवर्तन करना रहता है। और रचना के आधार पर जब हम वाक्य के परिवर्तन करते हैं, तो इसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इसके आधार पर हम परिवर्तन करते हैं। तो आपको जब इस तरीके का प्रश्न आता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन कीजिए, तो जो वाक्य परिवर्तन करके फिर से लिखिए, ये किसके आधार पर करना है, ये आप ध्यान से देखना देखा कीजिए। जैसे अर्थ के आधार पर दिया है, तो जो हम अभी करने वाले हैं इसमें वो है। अगर काल के आधार पर दिया तो इसके अंदर टेंस आ जाएंगे, और अगर रचना के आधार पर दिया तो इसके अंदर जो है कंजंक्शन वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। इसमें सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये जो है रचना के आधार पर इसके अंदर आ जाते हैं। तो अब देखते हैं कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार अर्थ के आधार पर उस किसी भी वाक्य का अर्थ क्या निकलता है, उसके आधार पर वाक्य परिवर्तन करके फिर से लिखे। अब पहला हमको दिया है, मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है, इसका प्रश्नार्थक वाक्य हमको बनाना है, यानी क्वेश्चन मार्क आना चाहिए ऐसा वाक्य बनाना है। हम लिखेंगे कोई भी प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है, प्रश्न सूचक वाक्य बनाना है, प्रश्नार्थक वाक्य को ही प्रश्न सूचक कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं, कहीं प्रश्नार्थक लिखा हुआ रहता है, कहीं प्रश्न सूचक लिखा हुआ रहता है। तो हम क्या, जब, क्या, कब, कैसे, ये सब, कैसे, क्यों, ये सब लिखकर हम किसी भी सेंटेंस को प्रश्नार्थक में बदल सकते हैं। अब जो जहाँ फिट हो जाए उस हिसाब से लगा के उसको प्रश्नार्थक बना दीजिए। तो मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है, हम प्रश्न बनाएंगे कि क्या मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है, यानी हमको एज इट इज़ ये वर्ड्स वैसे के वैसे ही रखना है, और इसके पहले हम क्या लगा देंगे। अब हम यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते, है ना, क्यों मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है, ऐसा नहीं। कैसे मनुष्य जाति की नासमझी, हमको ये समझना चाहिए कि क्या, कैसे, क्यों, कब, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो अच्छे से फिट हो रहा है, और उस हिसाब से हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। वो कॉमन सेंस की बात होती है कुछ कुछ, है ना, तो वो यहाँ पे यूज करना है। आगे देखते हैं, दया निर्बल थी, वह इतना भार न सह सकी। अब निषेधात्मक, निषेध का मतलब होता है नहीं, कहीं पर भी जो है निषेध। अब लिखते हैं ना, यहाँ पर धूम्रपान निषेध है, जब भी फिल्म देखने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ रहता है, धूम्रपान निषेध है, यानी यहाँ पे धूम्रपान नहीं करना है, है ना, मना है। तो दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। अब हमको निषेधात्मक वाक्य बनाना है, हम लिखेंगे दया सबल नहीं थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। क्योंकि देखिए इस वाक्य में तो हमको जो है निषेधात्मक वाक्य दिया हुआ ही है, यानी यहाँ पे न लिखा हुआ ही है। अब हमको यहाँ पे जो है कन्वर्ट करना है इसको, कि दया सबल नहीं थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। आगे देखते हैं, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करके उनसे सलाह ले। अब इसको प्रश्नार्थक वाक्य में बदलना है, कि क्या आप अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बातें करके उनसे सलाह लेती हो, या क्या तुम अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बातें करके उनकी सलाह लेती हो, है ना। तो यहाँ पर आप उस तरीके से इसको बदल सकते हैं, और अगर हम किसी के लिए सिंगुलर में बोल रहे हैं तो है शब्द का यूज कर सकते हैं। चौथा वाक्य दिया है, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, विधि वाक्य, ने हमको यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस बनाना है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधि वाक्य या विधानात्मक वाक्य या सिंपल स्टेटमेंट। तो फिर इसमें हम बनाएंगे कि मेरे साथ न्याय करें, यानी मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तो विधि वाक्य बनाएंगे कि मेरे साथ न्याय करो, है ना। करो शब्द जब हम यूज़ करेंगे तो ये आज्ञार्थक हो जाएगा, है ना, आज्ञार्थक, तो इसलिए हम करो शब्द का यूज़ नहीं कर सकते। हम कहेंगे मेरे साथ न्याय कीजिए, मेरे साथ न्याय करे, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। अब इसको आज्ञार्थक
आज्ञा तो कहने किसी को कुछ ना कुछ करने के लिए कहना, तो शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ो, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ लो, पढ़ो लीजिए रिक्वेस्ट हो जाती, पढ़ो ऑर्डर हो गया, ठीक है। करे यहाँ पे क्या है, मेरे साथ न्याय कीजिए, कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रार्थना हो जाएगी, रिक्वेस्ट हो जाएगी, करे विधिवाचक वाक्य हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, विधि वाक्य बनाइए, तो ऐसे समय वह तुम्हारी बात सुने, वे निरर्थक है तो फिर सार्थक क्या है, विधानार्थक बनाना है, लिखेंगे वे निरर्थक है, क्योंकि हमें विधानात्मक यानी कि असर्टिव सेंटेंस बनाना है। मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, विस्मयादि बोधक वाक्य बनाना है, तो हम यहाँ पे जो गलत है वो बता देती हूँ मैं, अच्छा इसके बाद में विस्मयादि बोधक का ऐसा चिन्ह आना चाहिए, है ना, किस तरीके का, इस तरीके से यहाँ पे ये चिन्ह आना चाहिए, अच्छा मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, तो ये जो चिन्ह होता है ये विस्मयादि बोधक का होता है, और किसी भी शब्द के शुरुआत में ही जो एक शब्द होता है उसी के बाद में जो है ये लग जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर का, कि इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएँ हैं, निषेधात्मक वाक्य बनाना है ना, मतलब कैसा बनाना है, नकारात्मक, तो इस क्षेत्र में रोजगार की भरपूर संभावनाएं नहीं हैं, ये करते हुए हमने इसको निषेधात्मक या नकारात्मक बना दिया। निषेधात्मक और नकारात्मक क्या है, एक ही है। 10 नंबर का है आपको दिया हुआ, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक है, विस्मयादि बोधक वाक्य बनाइए, तो अरे ऐसा बना के, अरे आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक है, बाकी आइए एज इट इज़ लिख देना है, तो इस तरीके से हम इसको विस्मयादि बोधक वाक्य बना सकते हैं। अब सुनो किशोरी में जो आपको अभिव्यक्ति के क्वेश्चन दिए हुए, देखिए यहाँ पर ये जो 2 क्वेश्चन दिए ना, अब हम इन चारों को जो है लाइन से देखने वाले हैं, कौन कौन से, 1, 2, 3 और 4, यानी लघु उत्तरी प्रश्न भी और अभिव्यक्ति के प्रश्न भी। तो पहला प्रश्न हमको दिया है, विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए, मंतव्य यानी क्या, अपने विचार लिखिए, ठीक है, तो देखते हैं क्या लिख सकते हैं। विद्यार्थी जीवन की सबसे प्यारी चीज होती है मित्रता, होती है कि नहीं होती है, सबके जीवन में जो है अपने फ्रेंड्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, उनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं ना, ऐसा हमारा विद्यार्थी जीवन होता है, उस समय मित्र से बड़ा कोई धन ही नहीं होता, तो विद्यार्थी जीवन की सबसे प्यारी चीज़ होती है मित्रता, यह मित्रता किसी भी विद्यार्थी के जीवन को सही या गलत दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना, जैसा दोस्त होगा उसकी संगत में रह के वैसे ही असर जो है हमको पड़ हो जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी संगत में रहना चाहिए, अच्छी संगत में रहेंगे तो अच्छा असर पड़ेगा, जीवन में अच्छा कुछ कर पाएंगे, चूँकि विद्यार्थी जीवन सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता है ना, विद्यार्थियों को कोई चिंता फिक्र नहीं रहती है, ना खाने पीने की, ना कमाने की, ना कपड़े लत्ते की, सब कुछ जो है उनको घर से प्रोवाइडेड होता है ना, माता पिता जो उनके लिए सारी जो सुविधाएँ हैं वो ला कर रखते हैं, तो वो बिल्कुल चिंता मुक्त रहते हैं, अतः वह जीवन के सिर्फ अच्छे वाले पक्ष को ही जानते हैं, अब उन्हें कुछ करना ही नहीं है, जब वे कर ही नहीं रहे तो उनको जीवन में सिर्फ अच्छी और अच्छी चीज़ ही दिखाई देती है ना, उनका जीवन चिंताओं से मुक्त है, परेशानियाँ मुश्किलें ये उनको पता ही नहीं है, तो बुरे पक्ष से उनका सामना ही नहीं हुआ होता है, अच्छी संगत मिलने पर वह अच्छा इंसान बन सकता है, उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है, अगर विद्यार्थी जीवन में अच्छी संगत मिल जाए, अच्छा फ्रेंड मिल जाए, तो मनुष्य का जीवन जो है भविष्य जो है वो उज्जवल हो सकता है, अच्छा हो सकता है, अन्यथा बुरी संगत में वह अपने उद्देश्य से भटक कर अपना जीवन बर्बाद कर सकता है, क्योंकि जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारे जीवन के कुछ उद्देश्य होते हैं कि मुझे ये बनना है, वो करना है, मैं ये बनना चाहता हूँ, कॉलेज में मैं ये करूँगा वो करूँगा, है ना, अच्छा बनने के लिए, तो इस उद्देश्य से जो है अपने भटक जाते हैं अगर उनको सही संगत ना मिले तो। एक अच्छा मित्र सदैव अपने मित्र को गलत राह पर जाने से रोकता है और उसकी हर संभव मदद करता है, यानी गलत रास्ते पर जाने से उसको रोकता है और अच्छाई में उसकी हमेशा हर संभव मदद करता है, वही मित्र जो है वो सच्चा मित्र होता है, लेकिन आजकल सब हम उल्टा ही देखते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, युवा पीढ़ी किस ओर विषय पर अपने विचार लिखिए, युवा पीढ़ी किसी भी देश का भविष्य होता है, हम सबसे ज़्यादा खुश नसीब है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में ही है, इसलिए भारत का भविष्य उन सभी के हाथों में
है, किनके, उन सब जो युवा है हमारे भारत देश के, उनके हाथों में है। आज के समय में यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा हमारे भारत में है, है ना, इसलिए उनके हाथ में हमारा भविष्य। भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है, परंतु आज की भारतीय पीढ़ी यानी युवा पीढ़ी पश्चिमी संस्कृति, तीज त्यौहार आदि को अपनाने में ही अपने आप को धन्य समझती है, जैसे कि वैलेंटाइन डे है ना, मदर्स डे, फादर्स डे। हमारे यहाँ तो ये सारी चीज़ें कभी नहीं हुई। हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा हुआ करती थी कि जो तुम्हें तुम्हारे जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं और तुम्हें जीवन की सारी जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं उसके बारे में समझाते हुए बड़ा करते हैं, उनके चरण को छुओ, ये कहा जाता है। और माता पिता के लिए हमारे यहाँ मदर्स डे, फादर्स डे मनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो माता और पिता को हम ईश्वर तुल्य मानते हैं, है ना, कि ईश्वर जो है वो आकर और हर किसी की जो है देख रेख नहीं कर सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई, इसलिए उसने पिता बनाए। तो फिर हमें रोज़ रोज़ माता पिता के चरण तो छूना ही चाहिए और उनके बारे में जो है हमारे मन में अच्छे विचार रखना ही चाहिए। उसके लिए मदर्स डे और फादर्स डे मनाने की ज़रूरत नहीं। पर आज जो है हम ये सब करते हैं आज की युवा पीढ़ी। तो भारतीय युवा अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या करता है, सहूलियत के हिसाब से पश्चिमी मूल्यों को चुनता है, यानी जो मूल्य उसको बिल्कुल सही लगे, जिससे उसको कोई परेशानी नहीं हो, मुश्किलों का सामना न करना पड़े, क्या बोलते हैं, मेहनत न करना पड़े, ऐसे सारे पश्चिमी मूल्य, ऐसे सारे जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं उनको वो अपना लेता है। तो पश्चिमी युवा क्या कर रहा है, अपनी चुनौतियों से लड़ने के लिए स्वयं तैयार रहता है। अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें, वेस्टर्न लोगों की बात करें, तो क्या करते हैं, वहाँ के बच्चे 13-14 साल के होते से अपने पेरेंट्स से दूर रहने लगते हैं और इसलिए जीवन में आने वाली जितनी भी मुश्किलें, परेशानियाँ, चुनौतियाँ होती है उनका सामना वे खुद करते हैं और उसके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय युवा क्या करते हैं, 25 साल तक तो अपने माता पिता के सहारे ही रहते हैं और माता पिता ही उनके लिए सब कुछ करते हैं, तो माता पिता के सहारे से सब कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए पश्चिमी मूल्यों को अपनाने से पहले हमें हर बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि उनके यहाँ का अंतर क्या है। वो बच्चे जो है बहुत छोटी उम्र से अलग रहकर अपने पेरेंट्स से कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ का जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो क्या कहते हैं, एक तरीके से हम कहें कि उनका जीवन जीने की शैली ऐसी होती है कि वो अपने बच्चों को जो है अपने साथ ज़्यादा समय तक नहीं रख पाते, क्योंकि उन लोगों के जीवन में जो है अगर बच्चों को साथ में रखेंगे तो वो डिस्टर्बेंस फील करते हैं पेरेंट्स लोग, इसीलिए वो अपने जीवन में बच्चों को नहीं रख पाते ज़्यादा समय तक, और इसीलिए वो बच्चों को जो है आज़ाद छोड़ देते हैं और चाहे फिर पेरेंट्स भी कुछ भी करते रहे और बच्चे भी जो है कुछ भी करते रहे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने से बड़ों का मान सम्मान करते हैं और उनका जो है आदर करते हैं, और इसीलिए वे अपने जीवन में हमेशा ऐसे मूल्य अपनाते हैं जो उनके बच्चों के लिए भी जो है अच्छी सीख बने। उनके माँ बाप के जो क्रियाकलाप होते हैं, माँ बाप के जो कर्म होते हैं, उनसे बच्चे सीखते हैं कि क्या कर अच्छा है क्या बुरा है। तो हमारे भारत में ये होता है कि माता पिता के जो कर्म होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं या वे हमेशा ऐसे कर्म करते हैं जिससे बच्चे जो है अच्छे गुणों को सीखे, अच्छे संस्कारों को अपनाएं। तो हमारे यहाँ के सोच में और वहाँ की सोच में जो है बहुत अंतर है। तो फ्रीडम जो होती है हर जगह पर अच्छी नहीं होती, क्योंकि फिर आज हम वहाँ के जो है बूढ़े लोगों को देखते हैं कि अक्सर अकेले रहते हैं बड़े बड़े घरों में, मर भी जाते हैं तो पता नहीं पड़ता, उनके मरने के महीनों बाद पता पड़ता है कि कोई मर गया है वगैरह। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ का जीवन ऐसा है कि हम बड़े बूढ़ों को भी हमारे साथ रखकर अंतिम समय तक उनका ख्याल रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, और जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे भी फिर हमसे सीखते हैं। तो हमारे यहाँ के संस्कारों में, संस्कृति में और वहाँ के संस्कार और संस्कृति में बहुत अंतर है, इस बात को हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखते हैं पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। अच्छा विद्यार्थियों, ध्यान रखिए, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन के बटन को दबाना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। मिल बांट कर पढ़ने से कभी भी ज्ञान कम नहीं होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर, इस पंक्ति में निहित सुगंधा की माँ के विचार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर सुगंधा के माँ के विचार यानी कि लेखिका के विचार हमको यहाँ स्पष्ट करना है। तो हम लिखेंगे,
उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर इन पंक्तियों के द्वारा लेखिका आज की युवा पीढ़ी की लड़कियों को यानी कॉलेज गोइंग लड़कियों को यह संदेश या चेतावनी देना चाहती है। यानी संदेश तो मैसेज तो देना चाहती है, साथ ही साथ उनको चेतावनी अलर्ट करना चाहती है कि सपने देखने का अधिकार तो हर व्यक्ति को होता है और फिर युवा पीढ़ी तो होती ही है सपने देखने के लिए और फिर उनको साकार करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है ना जब तक सपने ही नहीं देखेंगे तो उनको साकार कैसे करेंगे। तो पहले तो सपने देखना बहुत ज़रूरी है, तभी तो उसको साकार करने की तरफ हम कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो युवा पीढ़ी सपने देखने और उनको साकार करने के लिए होती है। युवावस्था में ही व्यक्ति दिन रात सपने देखा करता है, परंतु उस राह पर आने वाली कठिनाइयों से वह अनभिज्ञ रहता है। यानी युवा लोग जो होते हैं वे सपने तो देखते हैं लेकिन उसके रास्ते में जो कठिनाइयां आने वाली है, जो मुश्किलें आने वाली है, जो परेशानियां आने वाली है, वो नहीं जानते, क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस नहीं हुए रहते हैं, है ना। तो और अक्सर वो सपनों को साकार करने के प्रयास में युवा कई गलतियाँ कर बैठते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, और वे गलतियाँ कर बैठते हैं और बाद में उन्हें बहुत पछताना पड़ता है क्योंकि उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। लेखिका कहना चाहती है कि सपने अवश्य देखो और उन्हें पूरा करने के प्रयास भी करो, परंतु हमेशा यह याद रखो कि अपनी जड़ों से कटकर ज़्यादा समय तक खुशहाल नहीं रहा जा सकता और हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों को किसी भी कीमत पर नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि चाहे जितना ऊपर चले जाएं एक न एक दिन हमें धरती पर लौटना ही पड़ता है। इसलिए सदैव धरती से, अपनों से जुड़े रहकर ही हम उन्नति कर सकते हैं। इसलिए चाहे जीवन में कितनी भी उन्नति कर लो, अपनी निगाह जो है सदैव अपने रिश्ते नातों पर, अपनों पर रखो, उनसे जुड़ कर रहो, धरती पर रहो। ठीक है, ये यहाँ पर जो है लेखिका कहना चाहती है। तो लेखिका ने जो बात कही है वो आज की युवा पीढ़ी को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अपनी जड़ों से यानी अपने परिवार से, रिश्तेदारों से कट कर हम ज़्यादा समय तक खुश नहीं रह सकते, क्योंकि एक उम्र, एक समय ऐसा आता है जब हमें वापस उन लोगों की याद आती है, उनके पास आने की इच्छा होती है, लेकिन अगर सही समय पर उनकी कीमत न की जाए तो फिर वे हमारे लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पाठ के आधार पर रूढ़ी परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखते हैं, वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे धकेलने वाली समाज की कोई भी रीति हो, नीति हो, विचार हो, वे सब रूढ़ी कहलाती हैं। इन्हें बदलते समय के साथ बदलना चाहिए, बदलते रहना जरूरी है, किसी को इसे बदलना जरूरी है। जबकि परंपरा तो वह है जो प्रगतिशील समाज को पीछे धकेलने वाली, अनुपयोगी समय के साथ हो गई मूल्यों को छोड़ देती है और नए उपयोगी मूल्यों को अपने साथ जोड़ते हुए निरंतर नदी के समान आगे बहती रहती है। नदी भी जैसे करती है ना कचरा सारा किनारे करके आगे बढ़ती रहती है वैसे, तो इसीलिए परंपरा को गतिशील भी कहा जाता है। यही परंपरा देशी विदेशी, भीतरी बाहरी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेट लेती है। यानी परंपरा क्या करती है, अपने देश के, अपने देश से बाहर के लोगों के, अपने देश के, हमारे यहाँ के, बाहर के, यहाँ के जितने भी खराब चीज़ें हैं उनको साइड में करती चली जाती है और जो भी हमारे यहाँ का अच्छा है, बाहर का अच्छा, उनको साथ में लेकर अपने अंदर समा लेती है और समेटते हुए आगे बढ़ती रहती है। उसी को हम परंपरा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये लेसन सुनो किशोरी ख़त्म हो रहा है। विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। वीडियो डालने में लेट हो गया है, एक और लेसन मेरा बचा है अभी 12th के कोर्स को कम्प्लीट करने के लिए। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल थोड़ी सी एग्ज़ाम भी लेट है और इसीलिए अगला वीडियो भी मैं एक दो दिन में डालने का प्रयत्न करूंगी, जो इस 12th के क्लास का इस साल का जो है आखिरी वीडियो रहेगा और आपका जो है ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कोई भी दूसरी चिंता नहीं है, आपको सारा कुछ लिखा हुआ मेरे वीडियो में इस एक ही जगह पर मिल जाता है, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ, एक का वहाँ, इस तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सब कुछ मटेरियल आपको एक ही जगह पे मिल रहा है, खूब आराम से घर में बैठिए पढ़िए। फिर से कोविड का जो जोर है वो बढ़ता चला जा रहा है, घर से बाहर कम निकलिए और समय के साथ अभी इन 3-4 महीनों में लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर से थोड़ा सा ढील देने लगे थे और जगह जगह पर भीड़ बना रहे थे, कोई लोग मास्क नहीं पहन रहे वगैरह, तो वो सब चीज़ें मत कीजिए। बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर निकलिए और जब आप अपने घर वापस आते हैं तो हाथों को साबुन से
खूब अच्छे से धोइए 2-3 मिनट तक, और उसके बाद में रहिए। क्योंकि अभी आपने देखा है कि कोविड के जो वैक्सीन भी निकले वो 100% सुरक्षित नहीं है, यानी वैक्सीन लेने के बाद में भी जो है ये कोरोना होने के जो चांसेस है वो है ही। तो फिर हमें सबसे ज़्यादा सुरक्षित क्या चीज़ रखती है, तो वो है समय के साथ में रखी गई जो है हम हाथ धोएं, मास्क लगाएं, ये सारी चीज़ें मीन्स प्रिकॉशंस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो इसीलिए जो है सावधानी के साथ में रहिए और कोई भी गलती मत कीजिए। क्या ज़रूरत है कि वैक्सीन भी ले लो और फिर भी बीमार पड़ो। तो जो सबसे बेसिक ज़रूरी चीज़ है, हाथ धोना, मास्क लगाना, और कहीं बाहर जा रहे हैं सैनिटाइज़र का यूज़ करना। किसी दुकान से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, खरीदने के बाद सैनिटाइज कर लो हाथ और फिर उस दुकान से बाहर निकलो। घर पर चीज़ लाने के बाद में साइड में रख दीजिए, तभी यूज़ करने की ज़रूरत है तो उसको भी थोड़ा सैनिटाइज कर लीजिए और उसके बाद में उसको यूज़ कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को हल्के में लेने लगते हैं तभी वो चीज़ भयंकर रूप ले लेती है। जब शुरू शुरू में कोविड आया तो हमारे यहाँ जो है लॉकडाउन लगा कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से उसकी रोकथाम की, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ सब एकदम ऐसे छूट पड़े जैसे कोई बहुत दिनों से बंधे हुए थे और फिर नॉर्मल जो है लाइफ जीने की तरफ वो निकल पड़े। तो ये जो समय है ये बहुत डेंजरस है इस चीज़ को बढ़ाने के लिए। तो इसको समझते हुए उस जो है सावधानी अपनाइए और अच्छे से रहिए। बाकी फिर मैं आपको सारा मटेरियल जो है पढ़ाई का वो देती ही जा रही हूँ, तो कोई आपको टेंशन की या चिंता की बात है ही नहीं। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर से बताइए। इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर से अगला अच्छा वीडियो, अच्छा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।